तो भाई सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग समर्पित भक्ति का वास वैकुंठ में। मैं तो एक ब्राह्मण थे जो महान भक्त थे। वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। एक दिन की बात है कि वह भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि नारायण को मन से भी पूजा जा सकता है। उसने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह लंबे समय से ये सोच रहा था कि कैसे बहुत शानदार नारायण की पूजा करूं, लेकिन उनके पास धन नहीं था। जब वो ये बात समझ गए कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह अपने मन के भीतर बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहे थे और गहनों के साथ लदी हुई सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए भगवान को गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी जल के साथ अभिषेक कर रहे हैं। फिर वह बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार कर रहा था और फूल माला के साथ पूजा करते हुए वह मीठे चावल की बहुत अच्छी तरह से खीर बना रहा था। वह यह परखना चाह रहा था कि भोजन भोग के लिए कहीं गर्म तो नहीं है। तो ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूट गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसकी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। मैं तो इस तरह बैकुंठ से बैठे नारायण देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो देवी लक्ष्मी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, मेरा एक भक्त है जो अति प्रभावी है, जो मन से पूजा कर रहा है। मेरे अनधनिक भक्त सब उच्च साधनों एवं सामग्री से मेरी पूजा अर्चना करते हैं, परंतु उनका मन भटकता ही रहता है। इस समर्पित भक्ति का वास वैकुंठ में होना चाहिए, अतः मेरे दूतों को तुरंत उसे वैकुंठ लाने के लिए भेजो। मैं तो भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव पूजा के लिए साधन न हो, परंतु आप मन के भीतर ये सब साधन जुटा सकते हैं।